आज तरभा ब्लॉक चासी समूह समावेश तरभा ब्लॉक आगे अनुष्ठित समावेश तरभा ब्लॉक अंचल प्राय 1000 ऊर्ध चाषी सामिल रही थे। प्रथम बजा गजा सहित एक शोभा तरभा पेट्रोल पंप ठारु बाहरी मुख्य रास्ता दे ब्लॉक कार्यालय पर्यंत पहुंची। ब्लॉक आगे होता समावेश सुदूर दिल्ली आसीथिबा भारतीय किसान यूनियन सदस्य सौरभ भाटी योगदान करथिबा बेले सुवर्णपुर जिला कृषक संगठन सभापति बैकुंठ शतपथी नवनिर्माण कृषक संगठन सुवर्णपुर जिला सभापति प्रद्युम्न कुमार पाढ़ी प्रमुख योगदान करथिले। एहि बैठक रे चासी मानक विभिन्न समस्या पर बहु व्यक्ति विशेष निज निजर वक्तव्य रखिथिले। श्री भाटी चासी कुल सशक्त होई संग्राम करबा सहित निज आगामी पीढ़ी पई चिंता करबा नै कहिथिबा बेले तरभा संगठन मुख्य मित्रव्रत मिश्र समस्त राजनैतिक दल चाषी मान शोषण कर चलता नहीं अभिभाषण रखिथिले। आज समावेश 8 दफा दाबी विशिष्ट एक दाबीपत्र राज्यपाल उद्देश्य तरभा तहसीलदार जरिया प्रदान कर दाबीपत्र धानर सहायता मूल्य 3500 टंकार वृद्धि धान किणारे छत्तीसगढ़ भली ओडिशा रे 917 टंका बोनस प्रदान चाषी को मृत्युकालीन तथा अपमृत्यु रे परिवार को 20 लक्ष प्रदान भली 8 कोटी दाबी उल्लेख रही समस्त चाषी भाई एक अन्नदाता पेटी रे यथाशक्ति दान करी नियारा ढंग रे कार्यक्रम खर्च पई अर्थराशि जमा करथिले। आज समावेश आयोजन तरभा चाषी समूह मित्रव्रत मिश्र भवानी शंकर मिश्र भोला कुमार वर्मा शिव कुंवर परीक्षा साह गोवर्धन मिश्र नद्य साह प्रमुख समेत बहु चाषी वर्ग पूर्ण सहयोग करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी ओडिया। देखुन आज्ञा आज गोटे आम चाषी समावेश करथिलु आमर उद्देश्य थिला जे माने चाषी माने समस्त को आम सचेतन करमु आओ माने आमर जन डिमांड माने रहुजे पाख पड़ोसी छत्तीसगढ़ धान रेट ओडिशार रेट भितर डिफरेन्स रहुजे आउ केन्द्र सरकार MSP जेन बढ़ावार नहीं ये सब जिन आलोचना करवा लगे बोली आउ आगामी दिन में मैंने गोटे नुआ मानने आंदोलन रूपरेख देवा लगे आज गोटे चाषी समावेश आम करूँ आमर दाबी थिला जे 917 टंका बोनस छत्तीसगढ़ भाया ओडिशा भी सरकार दे 3500 टंका आम MSP वृद्धि कराऊ तारपर प्रत्येक जमी के गोटे जल गोटे खेड पानी मैंने निश्चित कर जलसेचन के चाषी छुआ मान के मैंने पाठ पढ़वाटा निःशुल्क कराऊ तार बाद आमर चाषी जी मैंने कौन सी प्रकार जी मृत्युवरण करे बोले ताके मृत्युकालीन सहायता 20 लक्ष टंका मैंने सरकार अनुदान दौन आम एटा मैंने दाबी लेकिन राज्यपाल उद्देश्य तहसीलदार मार्फत आम आज गोटे दाबीपत्र देचु मान्यवर राज्यपाल। लेकिन यहाँ की समृद्धि जो भौगोलिक स्थिति जो परिस्थिति यहाँ पर है उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं परेशान हूं था कि यहाँ पर जो लोग हैं इतने समृद्ध क्षेत्र में और गरीब लोग, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात मुझे लगी कि यहाँ पर इतने समृद्ध प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने दिए हैं। अगर आप प्राकृतिक संसाधन के मामले में देखें तो आपका उड़ीसा सबसे समृद्ध राज्य है पूरे भारत के अंदर, और ये समृद्ध तभी है जब तुम अपने हक और अधिकारों को पहचान कर संगठित हो जाओगे और लड़ने की दिशा में आगे बढ़ोगे, तभी इसकी समृद्धि नजर आएगी। लेकिन अभी जो तथाकथित सरकारें जिनका शासन अभी चला हुआ है उन्होंने ये सोच लिया है कि भारत की जनता ये उड़ीसा के लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। इस वजह से हो क्या रहा है, आपने अपने जो बच्चे हैं आपके, क्या जितने भी किसान लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी किसान बन जाएं? नहीं चाहते। किसानी खेती में कोई फायदा इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। जितने भी लघु कुटीर उद्योग आपके राज्य में लगे हुए थे सबको निस्तो नाबूद समाप्त कर दिया है। अब आपके ऊपर आपके बच्चों का भविष्य आपके कंधों पर है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य स्वर्णिम देखना चाहेंगे या इसी गरीबी और इसी दरिद्रता में धकेल देना चाहते हैं। ये समृद्ध तभी हो पाएगा जब आप लोग समृद्ध एकत्रित होकर संगठित होकर, मैं भी देख रहा था कि यहाँ पर दान की व्यवस्था करी गई है, ये आपके जीवित होने का सबूत है कि आप जीवित हैं, आप लड़ने के लिए तैयार हैं और आप इस लड़ाई को
तक लड़ना जब तक आप अपने भविष्य अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर देते।